कि जहां से तुम समझ रहे थे वहां से नहीं हो रहा हूं, जहां से पैगंबर कह रहे हैं वहां से हो रहा है, और जहां से तुम्हें होता हुआ नजर आता है उसकी नफी करो और अल्लाह ताला की गैब की कुदरत पर यकीन भरो दिलों में। मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए से इस बात को समझाया, दिखाया, बताया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दरख्वास्त की, रब्बी अरिनी कैफ तुहयिल मौता, मेरे रब मुझे जरा दिखा दे आप मरे हुओं को जिंदा कैसे दोबारा करेंगे, क्योंकि जो अल्लाह की ताला की कुदरत है वो नजर नहीं आती और हक है जिसने पहले पैदा किया वही मार के फिर दोबारा जिंदा कर देगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबान से ये बात निकली, रब्बी अरिनी कैफ तुहयिल मौता, मेरे रब मुझे जरा दिखा दे आप मुर्दों को जिंदा कैसे करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया अवलम तुमी, हमारी बात पर यकीन नहीं? उन्होंने कहा बला, क्यों नहीं, बिल्कुल पक्का यकीन है जो आपने फरमाया वह हक सच। वला किल्ली यतमा इन्ना कल्बी, लेकिन जरा कल्ब को और इत्मीनान हो जाएगा, मजीद इत्मीनान के लिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा चार परिंद पकड़ो, पकड़ लिए, इन्हें जिबे करो, जिबे कर लिए, इनके सरों को अपने हाथ में रखो और पर खाल बाल हड्डी पोस्ट गोश्त सबको चकना चूर कर दो और इनको चारों को मिलाओ। मिला दिया, अब ये गड मड करके मिला के इनके चार हिस्से कर लो और मशरिक मगरिब शिमाल जनूब चार पहाड़ों पर रख जाओ। चुनाचे उन्होंने अल्लाह का हुक्म अदा किया, रख लिया और बीच में खड़े होकर एक एक परिंदे का नाम लेते जाओ, पुकारते जाओ। उन चारों परिंदों के सर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में है और हरेक का नाम लेके पुकार रहे हैं अल्लाह का हुक्म है। तो और परिंदों के जो पर खाल हड्डी गोल्ड पोत सब खटपट और रेजा रेजा होकर आपस में मिले हुए हैं और वो चार तरफ पहाड़ों पर रखे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हर परिंदे का नाम लिया तो हर परिंदे के जो वो टूटे फूटे अज्जा है वो हवा में उड़े और मुंतशिर हुए और हवा उड़ा के ला रही और हर परिंदे का हर जुज अपने सर से आकर लगता चला जा रहा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंख से देख रहे कि देखो इस तरह हम अपने इरादे कुदरत से जिंदा कर देंगे। हर परिंदे का जुस अपने सर से लगता जा रहा और थोड़ी देर में चारों के चारे परिंदे वजूद में आ गए। तो अल्लाह ताला के इरादे का नाम वजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इरादे का नाम हकीकत है। वो इरादा वजूद किसके साथ है उसके लिए अल्लाह ताला ने बतला दिया कि जो ये यकीन रखेगा उसके साथ और जो ये आमाल करेगा उसके साथ अल्लाह का इरादा है। ऐसे ही उज़ैर अलैहिस्सलाम ने भी पूछा था कि ऐ अल्लाह मर गए, गल गए, सड़ गए, मिट्टी बन गए, बह गए, कैसे दोबारा जिंदा करेंगे। तो अल्लाह ताला के इरादे का नाम हकीकत है। जो इंसान के मुशाहिदे तजर्बे में है ये हकीकत नहीं,
अल्लाह ताला का इरादा और कुदरत हकीकत है। मुशाहदे का तो हाल ये है